हम मतलब ये भैया का जो चैनल में वीडियो देखते रहता है कि भैया पूरा नॉर्थ ईस्ट घूमता रहता है, कभी मणिपुर जाता है, कभी उधर इधर जाता रहता है अकेले अकेले, तो भैया को डर नहीं लगता है क्या? यही बात पूछना था हमको। भैया का वीडियो जो देखे बहुत अच्छा लगता है, इधर उधर घूमता रहता है भैया, पूरा नॉर्थ ईस्ट घूमता रहता है। तो गुड मॉर्निंग गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। और आज मैं आपको बहुत ही यूनिक चीज़ दिखा रहा हूँ। अभी जहाँ मैं हूँ ये जगह जो है, आपको ये जो रास्ता आपको दिखाई दे रहा है, रास्ता का ये पार आसाम है और रास्ता का ये पार अरुणाचल प्रदेश है। देखो। ऑलराइट गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। स्वागत है आपको फिर से एक नया वीडियो पे। तो वहाँ जो नोक्ते लोगों का जो ट्राइब का जो फेस्टिवल था, होजोपुर फेस्टिवल वगैरह सब मनाया, और मैं अभी आया हूँ आसाम एंड अरुणाचल बॉर्डर एरिया। तो यहाँ पे भी कुछ ट्राइबल समाज है बहुत सारा, जैसे कि हाजोंग, मिसिंग, रावा। तो मैं जाने वाला हूँ, बहुत दिनों से मैसेज कर रहे थे, कमेंट भी कर रहे थे कि हाजोंग लोग के ऊपर में दिखाइए कुछ ट्रेडिशनल कल्चर वगैरह। तो अभी मैं हूँ, ये जो रास्ता आपको दिखाई दे रहा है ना, आपने बहुत जगह ऐसा देखा होगा कि जहाँ पे चेक पोस्ट वगैरह होता है, और उसके बाद इधर बॉर्डर एरिया जो होता है, कोई भी राज्य दो राज्य का एक बॉर्डर होता है ना, तो यहाँ पे भी वैसे है, लेकिन पर यहाँ पे कुछ अलग है, यूनिक है। यहाँ पे बहुत ही अच्छा लगा मुझे, बहुत ही यूनिक। मेरे पीछे जो है ये है अरुणाचल प्रदेश और ये है आसाम पूरा। देखो मतलब बॉर्डर जो है, ये रास्ता है, देखो ये रास्ता है, इधर ये रास्ता है, ये रास्ता बिल्कुल जाके आगे एक नदी है वहाँ पे मिला हुआ है, और ये रास्ता सीधा जाके आपको मिलेगी जो बाले लोग हैं खरसंग, चांगलांग डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है, ये सीधा वहाँ पे जाके कनेक्शन है। ये चीज़ मुझे बहुत ही यूनिक लगा। इधर अरुणाचल है और इधर आसाम है, और ये है बीच में रास्ता, ये है बॉर्डर एरिया, बहुत ही यूनिक। देखो मतलब ये जो रास्ता है ना तो आसाम का है ना तो अरुणाचल का है, मतलब दोनों 50-50, दोनों हिस्सा, मतलब दोनों भाई, मतलब दोनों भाई भैया का है, मतलब आसाम का भी है अरुणाचल का भी है। और इधर है आसाम का गांव आपको दिखाई दे रहा है, और इधर है अरुणाचल प्रदेश ना, ये सब्जी खेती वगैरह लगा के रखा है। और इधर कुछ गोरखाली गाँव लोग हैं, ये गोरखाली गाँव है। और इधर जो है अरुणाचल प्रदेश में जो वहाँ पे दूर पे एक घर आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे भोजपुरी समाज लोग है। देखिए ये जो एक घर यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे रहते हैं भोजपुरी समाज। तो ये चीज़ मुझे बहुत ही यूनिक लगा। देखो इस बहुत ही यूनिक, वहाँ पे सब्जी वगैरह खेती वगैरह करके वो लोग बैठते हैं। मैं अभी नॉर्थ ईस्ट घूम रहा हूँ, आपको पता है, जैसे कि मैं नागालैंड से मणिपुर जा रहा था, तो ऐसा सिस्टम नहीं था, मतलब वहाँ चेक पोस्ट है, और जैसे कि कुछ एरिया होता है ना, जैसे कि कुछ एरिया होता है बॉर्डर एरिया जो उसे कहते हैं। बट नागालैंड में घूम रहा था तो मैं ये सोच रहा था कि नागालैंड से होके मणिपुर जाऊँगा, फिर मणिपुर से होके मैं मिजोरम जाऊँगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। मिजोरम जाने के लिए मुझे फिर से मणिपुर से होके सिलचर आना पड़ा, सिलचर से ही फिर मिजोरम जाया जाता है। मैंने पहले बताया नागालैंड से मणिपुर जाऊंगा, मणिपुर से मिजोरम जाऊंगा, मिजोरम से त्रिपुरा जाऊंगा, तो ये सब बिल्कुल नहीं हो पाया, क्योंकि ऐसा रास्ता नहीं होता गाइस जैसा मैंने सोचा था। क्योंकि नागालैंड से मणिपुर हम जा सकते हैं, लेकिन जैसे कि मणिपुर जाने का फिर हमें सिलचर आना होगा, सिलचर आने के बाद फिर मिजोरम जाना होगा, फिर से मिजोरम घूम के फिर वापस सिलचर आया मैं, फिर सिलचर आने के बाद फिर त्रिपुरा, मतलब मेन जो है ना गेटवे ऑफ नॉर्थ ईस्ट वो सिलचर है, वहीं से हम जा सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ यूनिक लगा मुझे। देखो भाई अब आगे चेक पोस्ट बहुत सारा है, आगे खरसांग का मिल जाएगा आपको, आगे बोर्डुमसा का मिल जाएगा, आगे नामसाई का मिल जाएगा चेक पोस्ट। यहाँ पे गोरखा लोग रहते हैं, गोरखाली नेपाली लोग, ये गाँव है एक छोटा सा, और इधर भोजपुरी समाज लोग का गाँव है। बट मुझे मेरा जो सब्सक्राइबर है, जो मेरा फैमिली है, आपको आना होगा, उन लोगों का कुछ पूजा भी है, लक्की पूजा मैंने सुना था हाजंग ट्राइब लोग का। एक्चुअली लक्की पूजा सभी का होता है। सबसे इंटरेस्टिंग क्या है कि उन लोगों का जो फेस्टिवल है उसी समय हमें बहुत चीज़ देखने को मिलेगा, जैसे कि हाजंग समाज लोगों का, क्योंकि वो लोग भी ट्राइबल में आते हैं, और वो लोग ऐसा ट्राइबल है, वो हिंदू वाला ट्राइबल है, बहुत ही यूनिक है। तो एक बहन है, उनका नाम है अनीता, तो उन्होंने कॉन्टेक्ट किया था मुझे कि आपको आना होगा जैसे भी, जो उन लोगों का समाज है ट्राइबल समाज, क्योंकि मैं ट्राइबल लोगों का ज़्यादा ब्लॉग बनाता हूँ गाइस, आपने देखा होगा। और नॉर्थ ईस्ट में ज़्यादा मैं ट्रेडिशनल कल्चर फेस्टिवल, ट्राइबल लोग का जो ड्रेस होता है, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, तो ये सब चीज़ में ज़्यादा मैं फोकस करता हूँ। तो आज मैं जाने वाला हूँ वहाँ, सबसे पहले उन लोग एक सेलिब्रेशन करेंगे, उन्होंने बताया। तो अभी यहाँ पे एक मेरा होस्ट है, यहाँ पे उनका घर में मैं बैठा हूँ, गोरखाली है, तो फ्रेश वगैरह होता हूँ, फिर उसके बाद नहा धोवा के खाना वाना खा के फिर डायरेक्ट जाऊंगा वहाँ जहाँ पे वो लोग सेलिब्रेशन कर रहे हैं। तो यहाँ पे गोरखाली गाँव लोग देखिए, इन लोगों का जो आमदनी देखो, सुपारी का पेड़ है, नींबू का पेड़ वगैरह ज़्यादातर देखो। मुझे यहाँ पे अभी तक सुपारी का पेड़ ही दिखाई दिया, आगे बेम्बू का झाड़ी है, देखो बहुत ही यूनिक। और इधर भोजपुरी गाँव, और ये लोग लिस्ट पर ज़मीन लेके या फिर जो साल साल में जो टैक्स देते हैं, टैक्स पे करके वो लोग बैठते। देखो आगे ये भोजपुरी समाज है, ये कुछ सब्जी खेती उन लोगों का, देखो बहुत ही सुंदर, बहुत ही खूबसूरत। देखो कितना दूर है मुझे तो पता नहीं है, बट ये मैं हाजोंग बस्ती कितना दूर है दीदी? कितना किलोमीटर होगा? ज़्यादा नहीं, चल के जा सकते हैं ना? ओके थैंक यू थैंक यू। मुझे पता तो नहीं है, कमेंट किया था उन्होंने पास ही में बोल के। भैया हाजोंग गाँव कितना दूर होगा भैया? चल के जा सकता है आप लोग इधर वो पार चांगलांग। बहुत ही यूनिक है ना भैया, मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ यहाँ पे। और जैसे कि बहुत लोग नहीं बताया ये रास्ता जो बॉर्डर है, रास्ता का उधर अरुणाचल प्रदेश, रास्ता का इधर है आसाम। बहुत ही अच्छा अच्छा भाईचारा है ना। देखिए मतलब एक दीदी को भी देखा था अपना बकरी ले जाके उधर चांगलांग में बांध दिया, अभी आप अपना बकरी लेके तिनसी का तरफ आए हैं। अभी आप कहाँ जा रहे हैं भैया? अभी जागुन जाएंगे। और जागुन जाएंगे ना, यहाँ से कितना दूर होगा भैया? यहाँ से लगभग मान के चलिए 10-15 किलोमीटर। नदी को कुछ पार करना पड़ेगा, वो तो मुझे पता है, नदी पार करना पड़ेगा ना। आपका ये भोजपुरी गाँव, क्या नाम है भैया आपका? ये बिहारी बस्ती, मेरा नाम अब्बास बैठा है। अब्बास बैठा, बहुत बहुत अच्छा, मुबारक हो, आपसे मिला, गुड मॉर्निंग भैया। ओके थैंक यू भैया थैंक यू। इधर है हाजोंग बस्ती, इधर है ना, चल के भी जा सकता है पूरा बस्ती, यहाँ से पूरा हाजोंग बस्ती, पूरा हाजोंग बस्ती ना। ठीक 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 भैया, ओके बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। ओके तो यहाँ पे एक भैया जी मिला है, तो मतलब ज़्यादा दूर नहीं हाजोंग बस्ती, तो अभी जाऊँगा वहाँ पे फ्रेश वगैरह होके, फिर नहा धोहा के, फिर टू बी कंटिन्यू जो अपना सफ़र है। अच्छा यहाँ पे एक रास्ता है ना, यहाँ पे एक रास्ता मुझे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे एक रास्ता है, शायद इसी के बारे में उन्होंने बताया होगा, यहाँ से जा सकते हैं हम, गाँव का रास्ता है, शायद यहीं से जा सकते हैं। कोई बात नहीं, बाद में देखा जाएगा गाइस। तो बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही यूनिक चीज़ ना गाइस कि यहाँ दूसरा राज्य है, इधर दूसरा राज्य है ना, बट मिलजुल के रहते हैं ना। यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में ये चीज़ बहुत ही अच्छा है गाइस। अभी हमारा परिवार है, हम लोग देख रहे हैं, ऐसा लगता भी है कि कैसे होश मिल जाता है ना। बहुत सारा यूट्यूबर भी मुझे पूछते हैं और बाद में उन लोग का डाउट भी क्लियर हुआ, जैसे मेरा अपना खुद का डाउट क्लियर हुआ। पहले मैं देखता था बड़े बड़े जो ट्रेवलर लोग हैं, बहुत सारा ऐसा एप्स बना के रखा है, जैसे कि अब मैं कई नया जगह जा रहा हूँ तो वहाँ कैसे रहूँगा मैं, मतलब कैसे वो जो आदमी है मुझे, मैं अनजान हूँ, मुझे क्यों रखेगा ना वो किसी का घर पे। तो इसी के लिए भी एक ऐप्स बना के रखा है काउच सर्फिंग, ये जो आपको नाम दिखाई दे रहा है ये काउच सर्फिंग। यहाँ पे इंटरेस्टेड जो कैंडिडेट होता है ना, जो मेहमान को बुलाना चाहते हैं अपने घर पे, उनको बहुत ही अच्छा लगता है। जैसे फिलहाल उस दिन एक गुजरात से एक भाई आए थे, उसका वीडियो मैंने बनाया नहीं, मैं दिखाऊँगा कोई एक दिन। तो काउच सर्फिंग एक आईडी होता है जहाँ पे, अगर मैंने काउच सर्फिंग आईडी बनाया है, अगर मुझे कहीं घूमने के लिए जाना है, मैंने सर्च किया कि मध्य प्रदेश, मुझे अगर मध्य प्रदेश जाना है तो मध्य प्रदेश में टाइपिंग करूँगा, वहाँ पे बहुत सारा लिस्ट आ जाएगा। उनको क्या करना है, वहाँ पे मित्र बनाना है और अपना जो डेट वगैरह है वहाँ पे मेंशन कर देना है, अपने बारे में 2-3 बात बोलना है। उनको अच्छा लगा तो आपको वो स्वीकार करेंगे, उनको आपको इन्वाइट करेंगे अपने घर में, थोड़ा घुमाएंगे। तो ये काउच सर्फिंग आईडी का बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होता है। बहुत सारा दोस्त तो मुझे इंस्टाग्राम से मिला, फेसबुक से मिला, तो और बहुत सारा जगह पे जाने के बाद क्या होता है कि जान पहचान हो जाता है। तो एक से बढ़कर एक ना, जैसे कि एक भाई मिला, उसका जो मित्र है, फिर वो भी इन्वाइट करते हैं अपने घर में। तो इस टाइप से होस्ट वगैरह मिल जाता है गाइस, बहुत ही ईजी है। बस मुश्किल कहाँ है ना, मुश्किल वही है देरी और मुश्किल जो होता है ना, सिर्फ घर से निकलने के लिए होता है गाइस। घर से निकल जाओ सब कुछ मिल जाएगा गाइस। अगर घर का अंदर ही बैठ के अगर हम प्रिजजमेंट करके बैठेंगे कि क्या होगा क्या नहीं होगा, तो कुछ नहीं होने वाला गाइस। एक्चुअली खुद को अगर घूमना है तो आपका खुद का इच्छा है, और कोई भी जगह है ना, सबसे पहले तो मैं अपने बारे में बोल रहा हूँ, मुझे घूमना होता है गाइस उस जगह के बारे में जानने के लिए। जैसे कि आपने मेरा नॉर्थ ईस्ट का वीडियो देखा तो वहाँ पे बहुत जगह मैंने नहीं दिखाया, क्योंकि वो जगह मैंने घूमा खुद से, वहाँ पे मैंने अपना ज़िंदगी को वहाँ पे जिया ना, कैसा होता है वो मिजो लोगों का कल्चर मणिपुर पे, नागालैंड पे ना। तो अभी सब कुछ दिखाने की कोशिश करूँगा गाइस। तो अभी 4 एपिसोड मैंने बना दिया, जो नोक्ते लोगों का यहाँ पे जो विलेज है राजानगर बोल के। सॉरी गाइस वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, कोई बात नहीं, तो थोड़ा मैं स्टोरी बता रहा हूँ, रियल फैक्ट। तो ऐसा होता है गाइस। प्यारा जो होस्ट है ये उनका घर है, एक्चुअली वो वीडियो में आना नहीं चाहते है, उनका मम्मी देखो अभी घर पे कुछ काम वगैरह सुबह का कर रही है। तो यहाँ से जस्ट अभी फ्रेश वगैरह होऊंगा, फ्रेश होने के बाद फिर हम जाएंगे वो हाजोंग जो होस्ट है वहाँ पे। और इन लोग है गोरखाली, मैं भी गोरखाली हूँ, तामांग है, लामा समाज, तामांग समाज, तामांग लोगों का जो झंडा है देखो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये उन लोगों का ट्रेडिशनल कल्चर है देखो ना। ये हर एक तामांग लोगों का घर में अगर आप जाते हो तो ये कंपलसरी आपको मिलेगा। ये उन लोगों का फ्लैग है देखो ना, कंपलसरी देखो हर एक तामांग घर में ये आपको मिलेगा देखो, बहुत ही अच्छा, अमेजिंग अमेजिंग, बहुत ही ब्यूटीफुल। जो मेरा होस्ट है थोड़ा शर्माता है ना बहुत ज़्यादा, वो कैमरे में आना नहीं चाहता, कोई बात नहीं, ऐसा होता है तो बोल देना चाहिए। बहुत ज़्यादा शर्म करता है ना, कैमरे के आगे आना बहुत ही ज़्यादा शर्म करता है गाइस, कोई बात नहीं। थैंक यू सो मच तामंग भाई, आपको दिल से शुक्रिया। और इधर उन लोगों का गाय का पालन देखो ना, यहाँ पे भी देखो कितना सुंदर तरीके से, देखो गाय का सेवा, एक गाय के लिए एक घर ही बना के रखा है देखो ना, एक गाय के लिए। ये है मुर्गी का घर, देखो यहाँ पे मुर्गा या मुर्गी जो भी है इसके अंदर है, पाल के रखा है। और खेती बाड़ी देखो यहाँ पे, धनिया खेती वेती देखो, पूरा सब्जी वब्जी। और यहाँ पे भी देखो पूरा सुपारियों का पेड़ है देखो, बहुत ही खूबसूरत घर देखो, ब्यूटीफुल। ये ऊपर टीना है और लकड़ी और बेम्बू से बना हुआ पत्ता का, और ये देखो मिट्टी से लीप देते हैं। देखो गाइस नॉर्थ ईस्ट में जो अगर चांगर नहीं है, जो चांगर विदाउट चांगर वाला जो होता है, नीचे से जो कनेक्शन होता है उसको मिट्टी से लीप दिया जाता है। देखो गाइस ये पुराना एक परंपरा है, देखो ये पुराना परंपरा है, अभी भी फॉलो कर रहे हैं हम लोग, बहुत ही अच्छा बात है देखो, अमेजिंग। तो चलिए फटाफट गाइस मैं फ्रेश हो जाता हूँ, फिर उसके बाद मुझे मिलने जाना है जो होस्ट जो अनीता नाम है उनका, उनसे मिलूंगा। फिर उसके बाद टू बी कंटिन्यू सफ़र होगा और उन लोग वहाँ पे कुछ सेलिब्रेशन वगैरह करेंगे, कुछ ऐसा बता रहा था, तो डायरेक्ट जाके वहाँ पे मिलते हैं। एक्चुअली उनका मन में कुछ सवाल है, जो लड़की है ना, देखो यहाँ पे एक बहन मिला है हमको जो हाजोंग सिस्टर है। पूछो आपको क्या पूछना था। जो है जो हम मतलब ये भैया का जो चैनल में वीडियो देखते रहता है कि भैया पूरा नॉर्थ ईस्ट घूमता रहता है, कभी मणिपुर जाता है, कभी उधर इधर जाता रहता है अकेले, तो भैया को डर नहीं लगता है क्या? यही बात पूछना था हमको। नहीं लगता है, हमें परिवार लोग मिल जाता है, परिवार जैसे यहाँ पे आए आप भी एक परिवार ही है, कहीं ना कहीं हम लोग बैठ जाता है, ठीक है ना, नोमेड लोग का लाइफ ही ऐसा होता है। इसलिए भैया का वीडियो जो देखे बहुत अच्छा लगता है, इधर उधर घूमता रहता है भैया, पूरा नॉर्थ ईस्ट घूमता रहता है, तो आप लोग भी वीडियो पूरा तो देखता ही रहता है। अभी भी जो लोग भी मतलब सब्सक्राइब नहीं किया भैया का चैनल में, तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो बहुत अच्छा लगने से शेयर भी कर दीजिएगा। भैया जो ज्यादा मतलब ट्राइबल कम्युनिटी का लोगों को वीडियो ज्यादा बनाता है, और हम भी ट्राइबल ही है, हाजोंग ट्राइब से बिलोंग करते हैं हम, और भैया का ज्यादातर वीडियो इसमें तो ज्यादातर आपको ट्राइबल लोग ही मिलेगा ना, ज्यादातर मतलब भैया ट्राइबल लोग के ऊपर ही वीडियो बनाते हैं, तो अच्छा लगता है भैया का वीडियो काफ़ी देखकर। तो अभी बहुत अच्छा लग रहा है, भैया हमें आया है, हम लोग इनवाइट किया और भैया भी आया है। आज हम भैया को हम लोग का घर में लेके जाएगा सोच रहा है, तो जैसे भी होने से भी भैया को आज हम मतलब आज रात हम लोग का घर में रुकाएगा, उसको आने नहीं देगा। मैं जाऊँगा, जरूर जाऊँगा सिस्टर, ठीक है ना। तो देखो इस कहीं भी होस्ट वगैरह जो है ना मिल जाता। आज इन लोगों का एक प्रोग्राम किया था, वहाँ पे मुझे बुलाया, तो गाइस कुछ हाजोंग लोगों का ना, हाजोंग ट्राइब है, बहन ट्राइबल है एक्चुअली। देखो आपका नाम पूरा बोल दो। अनीता हाजोंग। अनीता हाजोंग ना आप। ऐसे भी हम लोग तो मतलब ट्राइबल है, लेकिन हम लोग हिंदू है हाँ। और क्या पूजा आने वाला था आपने बोला? लक्ष्मी पूजा आने वाला है, और उसमें और लक्ष्मी पूजा में पूरा धमाका होता है हम लोग का। हमें मतलब जैसे कि रात में पूजा के बाद में जो कोई गांव का जैसा लड़का लड़की लोग मिल के साथ में पिकनिक का जैसा, मतलब ऐसे तो उस दिन नॉनवेज नहीं चलता है, ऐसे ही मतलब सब लोग मिल के पार्टी करता है। और तो देखो गाइस नोमेडिक लाइफ ऐसा होता है ना, हम लोग कहीं भी रह जाता है, तो टेंट वगैरह जो था बहन ने बोला टेंट मत लगाओ, गांव पे रहना है, हाजोंग लोगों का कल्चर दिखाना है आपको, तो जरूर। अभी मैं गाइस ये ब्लॉग के बाद मेरा अगला जो एपिसोड आने वाला है उसमें पूरा हाजोंग जो परिवार होता है, पूरा हाजोंग लोगों का पूरा ट्रेडिशनल कम्प्लीट में डिटेल देने वाला हूँ उसमें पूरा कम्प्लीटली। थैंक यू सो मच सिस्टर को। तो चलिए थोड़ा सा सेलिब्रेशन करते हैं, चलो। और मेरे साथ और एक भी बहन आया हुआ है, हाजोंग बहन ही है, अच्छा लखना हाजोंग। ये भैया का भी वीडियो देखते रहते हैं, भैया का सब्सक्राइबर है, इसलिए हम इसको भी लेके आया। चलो भैया लोग भी आ रहे हैं, तो जाके सब लोग साथ में सेलिब्रेशन करेगा, इसलिए बहन को भी लेके आया हम। ये आपका नाम बोल दो सिर्फ, क्या है? लखना हाजोंग। लखना, ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, ठीक है ना। ये वाईटी हमारा परिवार है, सब ये वाईटी परिवार है, ये दूसरा परिवार ट्राइबल गर्ल। देखो ये लोग ट्राइबल है, जो भी बोलो अच्छा है। YOUTUB ना, किसी को अगर समझ में नहीं आया तो ये डॉक्टर हैंडराइटिंग है, जैसे डॉक्टर हैंडराइटिंग, डॉक्टर हैंडराइटिंग गाइस, ऑल राइट। बहुत ही थोड़ा समझने में थोड़ा तकलीफ होगा, तो ये यूट्यूब लिखा है। केक इसका भी है, ठीक है ना, ये हम दोनों का मिलके बनाया ना। ऐसे भी तो हिंदी भी बोलना नहीं आता है इतना अच्छा से, तो फिर आसामीज भी इतना अच्छा नहीं है, फिर भी अभी हम आसामीज बोलने के लिए ट्राई कर रहे हैं, तो क्या निकल रहा है हमको खुद का पता नहीं है। इधर आओ, तुमको मेरा तरफ से बहुत बधाई हो, ठीक है, अच्छे से काम करते रहो, ठीक है। यहाँ पे देखो केक काट के देखो, दावली से देखो, नागा दावली से देखो गाइस, दिखा दीजिए एक बार। ऐसे भी हम चश्मे से देखो, चश्मा क्या कर दिया मेरा, पूरा देखा ही नहीं, पूरा सर्फिंग हो गया। उत्पाद खत्म, और भी निकल रहा है, इसको पूरा निकलेगा, वो बहुत ज्यादा है। और पूरा पार्टी वगैरह खत्म गाइस, यहाँ पे देखो। और अभी यहाँ से जाऊंगा मैं गाइस डायरेक्ट हाजोंग बस्ती जो है, जो बहन ने वेलकम किया है। थैंक यू सो मच सिस्टर। यहाँ से जाने का और पूरा कल्चर वगैरह मैं दिखाऊंगा आपको, हाजोंग ट्रेडिशनल कल्चर ना। वहाँ जाने के बाद पता चलेगा कि उन लोगों का जो ड्रेस है, और साथ में बताया जो लक्खी पूजा भी है ना, बहुत ही अच्छा, फुल एक्साइटमेंट एंड। और अभी थोड़ी देर बाद मैं यहाँ से निकलूँगा और जाऊँगा सीधा हाजोंग बस्ती जो है, एक्सप्लोर करूँगा हाजोंग बस्ती, और जो है ट्रेडिशनल कल्चर वगैरह मैं सब कुछ दिखाऊँगा।